2019 की तैयारियों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जोर शोर से जुट गए हैं। आज अमित शाह ने योग गुरु स्वामी रामदेव से मुलाकात की। अमित शाह बीजेपी के संपर्क और समर्थन अभियान के तहत रामदेव से मिले और मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज पर चर्चा की। मुलाकात के बाद दोनों ने एक साथ मीडिया से बात भी की। रामदेव ने पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ की, कहा मोदी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसे देख करके गौरव होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज का हिसाब किताब दे रही है और इसके लिए वो खुद भी लोगों से मिल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि स्वामी रामदेव तक पहुंचने का मतलब है करोड़ों लोगों तक पहुंचना। मैं मानता हूं कि बाबा के पास पहुंचने का अर्थ है करोड़ों लोगों के पास हमारी बात अपने आप पहुंच जाती है। तो बाबा ने फिर से एक बार हमें समर्थन का भी भरोसा किया, आशीर्वाद भी दिया जो हमेशा सबको देते हैं बाबा, और हमारे पूरे कामों को हमने डिटेल ब्यौरा बाबा को दिया है और सभी लोगों को इसी प्रकार से संपर्क कर हम हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। आजादी के इन 70 वर्षों में पहला प्रधानमंत्री देश को मोदी जी के रूप में मिला जिसके दुनिया के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष सम्मान करते, चाहे वो ट्रंप हैं, चाहे वो पुतिन हैं, चाहे जापान हैं, चाहे वो चीन हैं, चाहे और दुनिया का कोई भी, इज़राइल से लेकर के दुनिया के किसी भी देश में मोदी जी जाते हैं, ऐसा सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मिला। वो सम्मान में एक व्यक्ति का नहीं देखता। प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके माध्यम से पूरा भारत गौरवान्वित होता है।